मुझे लगता है भाभी माँ आपको वहम हो गया, आप बहुत परेशान हो गई हैं। आपको ऑफिस आना शुरू कर देना चाहिए। नहीं अग्रिम, हम ऑफिस नहीं आ सकते। भाभी माँ अगर आप ऑफिस नहीं आएंगी तो फिर वो नया वाला प्रोजेक्ट हैंडल कौन करेगा? मान संभालेगा इस प्रोजेक्ट को। क्योंकि आपका कोई बेटा नहीं है इसीलिए ना अब सब कुछ आपके हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। वैसे एक बात बोले, जैसे घर की बहू बेटी जैसी होती है वैसे ही घर का दामाद बेटे जैसा भी तो होता है ना। हर बार हमारे साथ ऐसे ही होता है, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। एक बार मेरा पैर ठीक हो जाए ना सबकी टांगे तोड़ दूंगी। सुमन प्लीज दो मिनट शांति रखोगी, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। और मैं जो मेंटली डिस्टर्ब हूं उसका क्या? क्या बोले जा रही हो तुम? सही बोल रही हूँ मैं। अब देखो ना, भाभी माँ एड्रेस पे है तो मान को प्रोजेक्ट का हेड बना दिया, और आपकी कोई कदर ही नहीं है। हम इस घर में सिर्फ हाँ जी हेलो जी ये वाली जी हजूरी करने के लिए खड़े हैं। अरे आप अपनी हड्डियां भी गला दोगे ना तब भी यही औकात रह जाएगी। बस फाइल पढ़ो और रिपोर्ट दो, फैसले और कुर्सी का मजा कोई और लेके चला जाएगा। इंदर, हमारा खुद का तो कोई बेटा है नहीं, मगर भगवान की कृपा से इतना समझदार और होनहार दामाद है, उसे क्यों नहीं इन्वॉल्व करते आप बिजनेस में? ऐसे उनका पलड़ा भी ज्यादा भारी नहीं रहेगा। हाँ चाची, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्या सोच रही हूं मैं? चाची जी, आप ऐसा मत सोचे कि आपका कोई बेटा नहीं है। अंश भी आपके बेटे जैसे हैं, वो आप दोनों की इतनी फिक्र करते हैं। कितनी तेज लड़की हो तुम, पहले दरवाजे के बाहर खड़े होकर कान लगा के हमारी बातें सुन रही थी, फिर ऐसे ही कमरे में चली आई, और अब यहाँ खड़ी होकर हमें प्रवचन दे रही हो। देखो तुम्हारा प्रवचन सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। सॉरी चाची जी, मैं तो बस पानी लेकर। बस बस प्लीज, भोली शक्ल का ना फायदा मत उठाओ। मैं सब समझती हूँ, तुम नहीं चाहती ना कि कोई भी तुम्हारे पति के आगे आए, भले मैं तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो, लेकिन मेरी बात भी कान खोल के सुन लो। वरुण इस घर में आएगा, इनके साथ खड़े होके वो अपना हक लेगा। अब जाओ यहां से, मुझे मेरे पति से कुछ बात करनी प्राइवेट। और सुनो, दरवाजा बंद करती हुई जा। क्या हुआ भूमि? मम्मी जी, पापा जी, मैं अभी चाचा जी और चाची जी के कमरे से आ रही हूँ, और मुझे लगता है कि वो लोग बड़ी माँ के फैसले से खुश नहीं है। वो लोग अंश को लेकर शायद, मेरा मतलब है कि आप लोग तो बड़े हैं, अगर कोई फैसला। भूमि बेटा, तुम जो कहना चाहती हो मैं समझ रहा हूं, पर तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही मैंने इंदर से बात करने की कोशिश की थी, कि पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। और बेटा, हमें जितना प्यार और सब्र उन्हें दिखाना था ना, वो हम दिखा चुके हैं। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है ना, वो दोनों तो हमें अपना दुश्मन मानते हैं। अरे मान इस घर का बेटा है, और अगर अगर भाभी माँ ने उसे प्रोजेक्ट का हेड बनाया तो कुछ काबिलियत तो उसमें देखी होगी ना। सही बात है लता, और जब वो लोग ये बात समझने को तैयार नहीं है तो हम भी कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। जो जिम्मेदारी अंश को मिली है वो अंश की ही रहेगी, और जिसे जो सोचना हो वो सोचे। जी Thank you.
सीता मैया, लो खीर खा लो, बहुत मजे की है। अरे भाई, हमारे मान भैया की तरक्की की खुशी में इस घर में बनी है। खाओ खाओ, बॉस बन गए हैं मान भैया। लेकिन हमें दुगनी खुशी इस बात की है कि यहाँ पे जो मामा घूमते रहते हैं ना, दोनों मामा, उनके बीच में जो दरार डली है ना, वाह मजा आ गया। चलो, वैसे ये खुशी सिर्फ हमारी नहीं है, तुम्हारे भाई की भी तो तरक्की हो रही है, हमने सुना है। अब उस खुशी में तो कम से कम खीर खा लो। ये रिश्ते दिल से जुड़े हैं पवित्रा, इनमें हल्की सी दरार जरूर आ सकती, पर ये टूटेंगे नहीं। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम कामयाब हो रही, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इस बार भी चोट तुम्हें ही लगेगी, तो संभल के रहना, वरना पिछली बार की तरह इस बार भी हार जाओगी। इस वक्त किसका फोन? हेलो। हाँ बेटा, कैसी है तू? हाय माँ, मैं ठीक हूँ। एक मिनट, हाँ वरुण, माँ का फोन है, और तुम अपनी बात कर लो, मैं पानी लेके आ। हाँ मम्मा। एक ही टाइम पे भोपाल से दो लोगों का फोन? सतीश, हेलो, हाय भूमि। हाय भाई। भूमि, इतनी रात को फोन किया, सब ठीक तो है? कुछ काम था क्या? एक्चुअली आजकल चाचा जी और पापा जी में बिल्कुल नहीं बन रही है, और घर में भी अक्सर माँ और चाची जी के झगड़े हो रहे हैं। क्या? हाँ, और वो ऊपर से भूमि ना मुझे ही आके भाषण दे रही है, कह रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं अच्छा अच्छा सोचूं। अरे खाक अच्छा अच्छा सोचूं। धीरे धीरे भाभी माँ ऑफिस की सारी कमान मान को थमा देगी, और इस घर में ये चालाक लोमड़ी हमसे सब कुछ छीन लेगी। माँ तो अब क्या करोगे? अब वो आपको बिजनेस संभालने के लिए भोपाल बुलाएंगे। अगर सब सही होता तो मैं आपसे कभी नहीं कहती, पर अगर आप यहाँ पे आ गए तो बात इतनी बिगड़ जाएगी कि रिश्ते फिर कभी नहीं सुधर पाएंगे। इसीलिए भाई, अगर हो सके तो आने से मना कर दीजिए। ऑफ कोर्स भूमि, मैं खुद ही नहीं आऊंगा, और वैसे भी मेरा प्रोफेशन और उनका प्रोफेशन बिल्कुल अलग है। लाइक मैं एक डॉक्टर और वो एक बिजनेसमैन, और तूने ऐसे सोच भी कैसे लिया यार कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के वहां पर आऊंगा? तूने सोचा भी कैसे? ओके भाई, थैंक यू, अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। माँ, मुझे तो आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो जंगली बिल्ली पवित्रा मेरे हस्बैंड पे डोरे डालती है, उसके बारे में तो सोच सोच के गुस्सा आता है। माँ, कहीं वो वरुण? उसकी चिंता तू मत कर, तेरे राम जैसे वरुण को कुछ नहीं होगा। तू बस वरुण को यहाँ आने के लिए मना, बाकी सब मैं देख लूंगी। ओके माँ, बाय। बेबी, भोपाल से ना माँ का फोन आया था, और हाँ अपेरेंटली ना घर में कोई इश्यूज हो रहे हैं, तो पापा चाहते हैं कि तुम उन्हें बिजनेस में हेल्प करो। वो कल तुम्हें फोन करेंगे, तो देख लेना। ग्लास पास करना प्लीज। हाँ बाबू, मैं पापा से बात तो कर लूंगा, लेकिन मैं उनकी हेल्प कैसे करूंगा? I mean, उनका और मेरा प्रोफेशन बिल्कुल अलग है। मैं एक डॉक्टर हूँ और वो एक बिजनेसमैन, और वैसे भी सुरभि, हम लोगों का परिवार तो यहाँ पर है ना, हम अपनी फैमिली छोड़ के वहां नहीं जा सकते। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम पापा की हेल्प नहीं करोगे? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मैं हेल्प तो करूंगा, बट हम वहां जाके ये सब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। I have a better option, अगर हम लोग यहीं से
उनकी मदद करें तो दैट विल बी इजी ना, सब कुछ मैनेज करना आसान हो जाएगा। देखो वरुण, तुम एक बात कान खुल कर सुन लो, आज तक मेरी पूरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कभी कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज अगर उन्हें मांगने की जरूरत पड़ रही है तो इशू सीरियस है। मैं ऐसे उन्हें परेशानी में नहीं देख सकती। तो तुम एक काम करो, फिर से सोचो, फिर बताना। और हाँ, डिसीशन ऐसा लेना जिसे हम दोनों मान सकें। की लाइट कैसे चली गई? कौन है? इंदर, देखो ना कौन है। तुम देख लो कौन है। देखो ना लाइट को क्या हो गया, एसी भी बंद हो गई। सुमन हद है, कभी तो कुछ काम कर लिया करो तुम यार, सारा काम मुझसे करवाते। इंदर की आवाज है। इंदर, ये क्या? इंदर, इंदर ये क्या हुआ? भाभी माँ, ये क्या किया आपने? नहीं, हम इंदर को नहीं मारना चाह रहे थे। चलो, अरे चलो, इंदर उठो। पता नहीं, छोड़ो। हमने इसे जानबूझ के नहीं किया, छोड़ो। इंदर, बैठो बैठो।
सुमन सुमन छुड़वा हमें, देखो क्या कर रही है। ये क्या कर रही हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? एक तो हमने तुम्हारी और तुम्हारे स्वामी की जान बचाई, अगर इन्हें छोड़ दिया तो ये हम पर भी वार कर देंगी। जाओ कुछ मारने के लिए लेकर आओ। क्या लो? अरे दुपट्टा लेकर आओ नागिन आंटी। मैं अभी आई। रहेंगी क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो हमें। ये आपको क्या हो गया है? आपको तो कितना खून बह रहा है। ये क्या कर रही हो? हमें क्यों बांध रही हो? हाँ, ताकि तुम हमको मार डालो जगत माते। काहे बांध रही हो हमें? पगला गई हैं आप? इंद्र भूमि चाचा जी, राधे कृष्ण, हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, क्या हुआ? अरे अरे हराम खून, खून, ये किसने? जेलर, जेलर, जेलर ने लड्डू गोपाल का सर फोड़ दिया। हमने हमने आप लोगों से पहले ही कहा था, ये जेलर बहुत खतरनाक है। दीदी को कमरे में ले जाओ। हमको इनसे दूर रखना। दीदी कुछ नहीं होगा, चलिए चलिए ना, कुछ नहीं होगा। हरे कृष्ण राधे कृष्ण, हरे कृष्ण राधे कृष्ण, हरे कृष्ण राधे कृष्ण। पवित्रा, अगर आज के बाद तुमने बड़ी माँ को हाथ भी लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माफी मांगो बड़ी माँ से। काय की माफी मांगे इनसे? अरे हमने जो कुछ किया वो अपनी जान बचाने के लिए किया। बस पवित्रा, बहुत सुन लिया मैंने। चुपचाप इसी वक्त बड़ी मां से माफी मांग, वरना इस बार मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। समझे तुम? माफी मांगो। पवित्रा, ठीक है सॉरी। आप लोगों ने हमसे जबरदस्ती माफी तो मंगवा ली, पर हम बता दे रहे हैं अभी भी खतरा टला नहीं है। हमने जो कुछ भी किया वो सबकी भलाई के लिए किया, वरना हमें शौक आ रहा है इनको बांध के रखने का भला? ये पागल है। अरे ये हमें मार देती तो?
देखो कितना खून बह रहा है उनके। कल को हमें या आप में से किसी की जान चली जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं लेती हूँ जिम्मेदारी। क्योंकि मुझे पता है बड़ी माँ ने ये सब जानबूझ के नहीं किया होगा, ये गलत फहमी थी। पर तुम्हारी शांति के लिए मैं बड़ी माँ के साथ उनके कमरे में रहूंगी। और तुम्हें गलत साबित करके दिखाऊंगी।